एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये प्यारा सा रॉ सिल्क का कलियों वाला फ्रॉक। सिंपल फ्रॉक है, इसके साथ आप फैंसी दुपट्टा ले सकते हैं या इस तरह से काम वाला कोई दुपट्टा लेकर इसे पार्टी वेयर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। सिंपल दुपट्टा लेकर आप इसे कैजुअल ड्रेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा फ्रॉक है, बनाने में आसान है, झटपट बन जाएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉडी की हमने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट है और ये बैक, और इसकी मेजरमेंट है 16 इंचेस हमने कटिंग की है। इसकी रेडी होके 15 रह जाएगी। तीरा इसका रखा है हमने 8 इंच। रेडी होके सिलाई करने के बाद ये रह जाएगा 7.5 इंचेस, और इसकी जो आर्म होल की गहराई है 8, यानी 8x8। और यहाँ से जो है 1 इंच की हमने तिरछी कटिंग की, वो है 10 इंचेस, और हमारी वेस्ट जो है यहाँ पर आ रही है 9 इंच। 9 इंच रेडी का साइज़ है। और यहाँ से हमने फ्रंट के डीप कट किया। ये हमारी स्लीव्स हैं, स्लीव्स हमारी कट के रेडी हो गई हैं। और इसकी कटिंग की जो साइज़ है हमारी स्लीव्स की, हमने 24 रखी है रेडी, तो हमें चाहिए 21.5, बट 1/2 इंच हमारी यहाँ से स्विंग में जाएगी और यहाँ से हमारी टर्न होगी स्लीव यहाँ से, तो 1.5 इंच यहाँ से हमारी फोल्डिंग होगी। और हमने शोल्डर रखे हैं, हमारी जो शर्ट है उसकी शोल्डर जो है आर्म होल है वो 9 इंच हमारे रेडी होंगे, तो इसके भी हमने 9 इंच ही रखे हैं। और 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है यहाँ पे सिलाई का। और यहाँ से हमने 2.5 इंच का यहाँ से निशान लगाया, 2.5 इंच का यहाँ से निशान लगाया और उसको ऐसे शेप में कटिंग कर ली। और इसकी जो कलियाँ हमने रेडी की हैं, हमें हमारी फ्रॉक चाहिए फुल पाँव तक। हमारी कली की जो कटिंग की लेंथ है वो है 41 इंचेस और 2 सेंटीमीटर हमारी कली की लेंथ है। और उसकी जो नीचे से हमने फ्लेयर रखा है कली का, वो है 10.5 इंच हमारा नीचे से कली का फ्लेयर है। और ऊपर से जो हमारी वेस्ट की है हमने साइज़ रखा 15 कलियाँ हमने डालनी है, इसीलिए हमने ऊपर से जो साइज़ है वो कम रखा है, हमने 4 इंच रखा है। सिलाई और ओवरलॉक होने के बाद 2.5 इंच रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिलाई ज़्यादा दी जाती है। अब हम कली काटते हैं 10 इंचेस यहाँ पर रखी, और ऊपर से हमने 4 इंच रखना है, तो इसकी ओपोजिट साइड लाए, यहाँ से भी 10 ही रखेंगे। 10 रखने के बाद 5 पे उसके मिड पे निशान लगाया, हमने 4 इंच का ऊपर से गैप रखना है, तो हम यहाँ पर ऐसे करें 2 एंड 2 4। ये हमारी 4 इंच की मेजरमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसकी यहाँ से तिरछी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 4 इंच का गैप रखा, अब यहाँ से हम तिरछा लेकर जाएंगे अपनी कली को नीचे तक। यहाँ से हमारी कली की जो साइज है वो 10.5 इंच हो चुकी है। यहाँ से हमारी ऊपर से साइज 4 इंच है, 2.5 तक हमारी ये कली रेडी होगी। ये वाला छोटा साइज था, अब इस तरफ से हम ओपोजिट साइड यानी कि हम 10 इंचेस वाला यहां से रखेंगे फ्लेयर। हमारी 15 कलियां कट कर तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम आपस में सीएंगे, ये ऊपर वाली साइड को, छोटी साइड को, यहाँ से ऐसे ही इनको मिलाकर फुल लेंथ तक हम सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक की बॉडी का फ्रंट का पार्ट है, इसकी गहराई रखी है हमने 5.5 इंचेस, और इसकी चौड़ाई जो है गले की 3.3 रखी है, विथ जो है 3.3 रखी है। सिलने के बाद ये 4 हो जाएगी, और जो ये गहराई है ये सिलने के बाद 6 हो जाएगी। ये बैक का पार्ट है, इसकी विथ हम उतनी ही रखेंगे 3.5 इंचेस, और इसका जो डीप पार्ट है वो हम रखेंगे 4 इंचेस। शोल्डर से गले को इक्वल रखेंगे, फ्रंट का पार्ट थोड़ा डीप होगा,
अब शोल्डर से सिलाई लगाएंगे। इसकी जो हमने डबल फोल्ड किया है अरेब में, और इसकी जो हम विथ रखेंगे वो रखेंगे 1 इंच एंड 2 सेंटीमीटर्स। शोल्डर से सिलाई लगा ली है हमने। अब ये जो अरेब पीस हमने काटा था उसके ऊपर ये सिलाई लगाई है ताकि गले पर लगाते हुए ये खींचे नहीं। अब इसको हम गले पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये हमने पाइपिंग लगा ली है सारी, एक साइड से शोल्डर को खोलकर तो जोड़ इसका सेंटर में ले आया। अब इसको ज्वाइन करने के लिए ऐसे करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो, और इसके बाद हम इसको इस पीस को ऐसे करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर गले पर हमने पाइपिंग कर ली है और शोल्डर्स के साथ इसको ऐसे ऐसे अटैच किया खोल के। अब हम जब तरपाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, इसको टर्न किया ऐसे, यहाँ पर तरपाई हो जाएगी। ये हमारा गला रेडी हो गया। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है, 1 इंच का निशान लगाएंगे, इसको तिरछा करेंगे। इस तरह से तिरछा करने पर हमारी जो फ्रॉक की फॉल है वो साइडों से लटकती नहीं, नीचे से फॉल और नीचे से जो फ्लेयर आता है फ्रॉक का वो इक्वल रहता है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे, यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, उसके बाद शर्ट के साथ इसको स्लीव को अटैच करेंगे। बाजुओं को हमने मशीन की डबल सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है, बाजू की सिलाई हमने लगा ली है। अब बाजू को सीधा करेंगे, देखेंगे ये किस तरफ आ रहा है। ये आएगा हमारा, ये जो डीप वाली साइड है ये फ्रंट की साइड से अटैच होगी। इसको स्लीव के साथ ऐसे इन करेंगे, ये फ्रंट की गहराई है और ये बाजू की फ्रंट की गहराई है। इसको हम यहाँ से ऐसे रख के सिलाई कर देंगे, ये वाली सिलाई थोड़ी पीछे और ये जो बाजू की है सिलाई इसको इक्वल नहीं रखना, इनको आगे पीछे रखना। बाजू की जो सिलाई है वो आगे होगी, उससे जो हमारी नेक लाइन है हमारा फ्रंट का गला है वो लटकता नहीं। ये हमने अपनी बॉडी फ्रॉक की रेडी कर ली है, तमाम कलियों को अटैच कर लिया है एक दूसरे के साथ, अपनी शर्ट की वेस्ट के साथ मापेंगे। अब हम फ्रॉक की बॉडी को फ्रॉक के घेर के साथ अटैच करेंगे, बाजुओं के आगे लेस लगाएंगे और ये जो हमारी कलियों की फॉल है हमारा फ्लेयर है फ्रॉक का, इसको भी इसी तरह ऐसे फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर हम यही लेस लगाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।